वक्त कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, अपने हिसाब से आगे बढ़ता है। वक्त की रफ्तार के साथ साथ जो चलता है वो शोहरत का हकदार बनता है। तो वक्त के खिलाफ चलने वाला भी सुर्खियों में रहता है। नाम उनका ही होता है जो कुछ अलग करते हैं, इतिहास उन्हीं का बनता है जो अलग तरह से हर काम करते हैं। साल 2014 भी ऐसा ही दौर रहा है, जब अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐसी शख्सियतें रही जो या तो मशहूर हुई या फिर बदनाम। लेकिन सुर्खियां सबके हिस्से आई। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर कौन है वो 14 शख्सियतें जिन्होंने इस साल अपनी धमक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक महसूस कराई। आखिर कौन है वो लोग जो टीवी से लेकर अखबारों तक की हेडलाइंस में छाए रहे। साल 2014 की 14 शख्सियतें किसके हिस्से आई, कितनी सुर्खियां। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने वाले शख्स की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिना मुमकिन ही नहीं है। पीएम मोदी जिनके हिस्से न केवल 3 दशक बाद एक ही पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने का श्रेय मिला है बल्कि अपनी तूफानी विदेशी यात्रा के जरिए पीएम मोदी ने अपनी छवि एक वैश्विक नेता के तौर पर स्थापित की है। सुर्खियों के शहंशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री से देश के प्रधानमंत्री तक इसी साल बदली। पहले मोदी ने धुआंधार चुनावी रैलियों से पूरे देश में माहौल तैयार किया और 16 मई को आए चुनावी नतीजों ने मोदी के अभियान पर मुहर लगा दी। बीजेपी को अकेले दम पर पूर्ण बहुमत मिल गया तो एनडीए के हिस्से आई 300 से ज्यादा सीटें। इतनी बड़ी जीत दर्ज करने के बाद नरेंद्र मोदी ने 26 मई को देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली तो ये मौका भी यादगार बना दिया। मोदी ने अपने शपथ ग्रहण में सार्क देशों के सभी नेताओं को आमंत्रित किया। दिलचस्प ये रहा कि बेहद कम नोटिस पर सार्क के सभी नेता दिल्ली आए और मोदी के शपथ ग्रहण का हिस्सा बने, यानी पीएम बनते ही मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों की दिशा में काम शुरू कर दिया। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सबसे पहली विदेश यात्रा के तौर पर भूटान को चुना, इसके बाद ब्राजील, नेपाल, जापान, अमेरिका और फिर ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए। अमेरिकी दौरे में मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ऐतिहासिक भाषण दिया तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देकर सबका दिल जीत लिया। श्रीमान सैम कुरैशी जी, अंडर सेक्रेटरी जनरल। यही हाल ऑस्ट्रेलिया का भी रहा। हालांकि पीएम मोदी ने अपनी विदेश नीति में लुक ईस्ट पॉलिसी को महत्व दिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया और पूरे साल सुर्खियों के शहंशाह बने रहे। नरेंद्र मोदी जहां देश और दुनिया में छाए रहे वहीं उनके चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के लिए भी यह साल खासा अहम रहा। यूपी के प्रभारी रहते हुए अमित शाह ने बीजेपी को शानदार सफलता दिलाई जिसका इनाम मिला बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। राजनीति के चाणक्य मोदी के शाह अमित शाह। साल 2013 में यूपी का प्रभारी बनाए जाने से पहले अमित शाह का नाम उतना ज्यादा चर्चा में नहीं था जितना कि लोकसभा चुनाव 2014 के नतीजों के बाद रहा। अमित शाह का नाम उन पर दर्ज मामलों के नाते ज्यादा चर्चा में रहता था, लेकिन साल 2014 में देश ने उनका राजनीतिक कौशल और रणनीतिक ताकत भी देख ली। अमित शाह ने यूपी का प्रभारी रहते हुए सूबे में 4थे नंबर पर जा चुकी बीजेपी को न केवल बड़ी पार्टी बना दिया बल्कि 73 सीटों के तौर पर ऐतिहासिक सफलता भी दिलाई। अमित शाह की सफलता ने उनकी राजनीतिक कुशलता को स्थापित कर दिया। नतीजा उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से नवाजा गया। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद अमित शाह ने अपनी पहली परीक्षा यानी हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी अपने रणनीतिक कौशल का लोहा मनवाया। साल 2014 में एक और शख्सियत रही जिनकी शोहरत ही दरअसल उनके लिए विवादों की वजह बन गई, जिनकी कामयाबी ने लोगों को सवाल उठाने का मौका दिया, जिनके फैसलों ने हंगामा खड़ा किया, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसने उन्हें सुर्खियों में बनाए रहने का
मौका दिया। ये नाम है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी का। सियासत में हिट हुई मोदी की छोटी बहन, एक टीवी अभिनेत्री, फिर संगठन की कार्यकर्ता और बेबाक वक्ता के तौर पर स्मृति ईरानी की पहचान पहले से थी, लेकिन साल 2014 उनके लिए सफलता का एक ऐसा मौका बनकर आया जो मौका किसी किसी को ही मिल पाता है। अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ जब स्मृति ईरानी को बतौर उम्मीदवार उतारने का ऐलान हुआ तो ज्यादातर लोगों को लगा कि स्मृति ईरानी को राजनीतिक तौर पर हाशिए पर डालने की कोशिश हो सकती है, लेकिन तमाम आशंकाएं बेकार साबित हुई, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में राहुल गांधी को ऐसी कड़ी टक्कर दी कि पहली बार राहुल गांधी के लिए चुनाव खासा पसीना बहाने वाला साबित हुआ। स्मृति ईरानी की कामयाबी ने उनका कद बढ़ाया। केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो उन्हें मानव संसाधन विकास मंत्रालय जैसा भारी भरकम मंत्रालय मिल गया, जिसे लेकर सवाल भी उठे। उनकी डिग्री भी विवादों में आई, तो वहीं संस्कृत को केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के तौर पर शामिल करने का फैसला भी विवादों की जद में रहा, लेकिन इस बहाने स्मृति ईरानी का राजनीतिक कद बढ़ता चला गया। केवल कामयाबी मिले तभी सुर्खियां नहीं बनती, बल्कि किसी बड़ी शख्सियत की नाकामयाबी भी सुर्खियां बनती हैं। साल 2014 में ऐसी ही शख्सियत रही तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता, जिन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में अदालत से दोषी करार होने के बाद सीएम पद गंवाना पड़ा था। जयललिता को हुई सजा, गंवानी पड़ी सीएम की कुर्सी। पहले अभिनेत्री और फिर एक सफल राजनेता के तौर पर लंबी सियासी पारी खेलने वाली तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के लिए साल 2014 सबसे बड़ा सदमा लेकर आया। जयललिता को सितंबर महीने में आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेंगलुरु की स्पेशल अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें 4 साल की सजा के अलावा 100 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। सजा के ऐलान के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जयललिता के लिए सजा के ऐलान के बाद तमिलनाडु में काफी प्रदर्शन हुए, कई लोगों ने खुदकुशी कर ली, विरोधी नेताओं के घरों पर पथराव हुआ और हालात काबू में करने के लिए प्रशासन को खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल जयललिता हाईकोर्ट से मिली जमानत पर बाहर है, लेकिन स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद अब वो 10 साल तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। साल 2014 में सुर्खियों में रहने का रिकॉर्ड एक संत के नाम भी रहा। ये संत हैं द्वारकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। शंकराचार्य ने साई बाबा के पूजा के खिलाफ मोर्चा खोला, जिसके बाद खासा हंगामा हुआ। फिलहाल इस मामले में अब तक बीच का कोई भी रास्ता नहीं निकल पाया है। साई पूजा के खिलाफ शंकराचार्य की मोर्चेबंदी। यूं तो साल 2014 संतों और उनसे जुड़े विवादों के लिए खासा मशहूर रहा, लेकिन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के बयान के बाद पैदा हुआ विवाद इनमें सबसे अलग रहा। जी हाँ, द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने खोला साई बाबा और उनकी पूजा के खिलाफ मोर्चा। हरिद्वार में पहली बार शंकराचार्य ने साई पूजा के विरोध में मोर्चेबंदी का ऐलान किया तो धार्मिक जगत में बहस छिल गई। शंकराचार्य ने साई बाबा को विधर्मी बताते हुए हिंदू रीत से पूजा का विरोध किया और साई भक्तों को खुली बहस की चुनौती दी। इस बीच साई भक्तों ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद हंगामा और बढ़ गया। कई जगह शंकराचार्य के खिलाफ केस भी दर्ज कराए गए। शंकराचार्य के खिलाफ साई भक्तों ने साई मूर्तियों को गंगा स्नान कराया। इसके बाद शंकराचार्य ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धर्म संसद का ऐलान किया और साई भक्तों को बहस के लिए बुलाया, लेकिन कवर्धा में साई ट्रस्ट की ओर से कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद साई पूजा के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया गया। इस बीच मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने शंकराचार्य का विरोध शुरू कर दिया। फिलहाल इस मामले में बयानबाजी नहीं हो रही है, लेकिन ये मसला अभी भी सुलझा नहीं है। इस साल कई तरह के विवाद सामने आए, कुछ राजनीतिक थे तो कुछ धार्मिक, और कुछ विवाद निजी जिंदगी को लेकर भी खड़े हुए। इन्हीं विवादों में से एक विवाद जुड़ा कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के साथ, जिनकी निजी जिंदगी को लेकर तस्वीरें सामने आई और आखिरकार दिग्विजय सिंह को अपने निजी रिश्तों की बात कबूल करनी पड़ी। दिग्विजय अमृता की प्रेम कहानी, तस्वीरों ने मचाया हंगामा। अपने तीखे और बेबाक बयानों के लिए मशहूर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नाम इस साल भी सुर्खियों में रहा, लेकिन वजह राजनीतिक नहीं निजी जिंदगी को लेकर थी। सोशल साइट्स पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राज्यसभा टीवी की एंकर अमृता राय की अंतरंग तस्वीरें वायरल हो गई, जिसके बाद खासा हंगामा मचा। हालांकि दिग्विजय सिंह ने दिलेरी दिखाई और मामले की लीपापोती करने के बजाय खुलकर अपने रिश्तों को स्वीकार किया, तो वहीं अमृता राय ने भी इन तस्वीरों को लेकर बेबाक तरीके से अपना पक्ष रखा, जिसके बाद
मामले पर हंगामा थमा, लेकिन सियासी गलियारों में इस प्रेम कहानी को लेकर चर्चाओं का बाजार खासा गर्म रहा। साल 2014 भारत पाकिस्तान के रिश्तों के लिहाज से काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है। पाकिस्तान से तल्खी बढ़ी है, लेकिन साल जाते जाते एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने भारत पाकिस्तान के रिश्तों में नई उम्मीद जगा दी है, जिसके सूत्रधार बने हैं कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफ जई, जिन्हें साल के नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। सत्यार्थी और मलाला को सम्मान, रिश्तों की नई उम्मीद। बाल अधिकारों के लिए 3 दशक की लंबी लड़ाई लड़ने वाले कैलाश सत्यार्थी और लड़कियों की शिक्षा के लिए तालिबानी निशाना बनी मलाला यूसुफ जई को उनके योगदान के लिए साल के सबसे प्रतिष्ठित शांति के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार ऐसे वक्त में मिला है जब भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्ते बेहद तल्ख मोड़ पर हैं। दोनों देशों के बीच वार्ता बंद है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार मिलना यकीनन एक बड़ा संदेश है। कैलाश सत्यार्थी जहां बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए लगातार बाल मजदूरी के खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं, तो वहीं मलाला यूसुफ जई को तालिबान ने सिर्फ इसलिए गोली मार दी क्योंकि वो छोटी उम्र में ही लड़कियों की शिक्षा की वकालत कर रही थी। यानी इस पुरस्कार के मायने इस रूप में भी समझे जा सकते हैं कि सामाजिक बुराई और आतंकवाद के खिलाफ लगातार खड़े रहकर अपनी मुहिम जारी रखने वाले दो लोगों को सम्मानित किया गया है, जिससे पूरी दुनिया को सबक लेने की जरूरत है। क्रिकेट के बॉस, फिक्सिंग और विवाद। एन श्रीनिवासन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने महज 10 सालों में क्रिकेट प्रशासन में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कम ही लोगों को नसीब हो पाता है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष से भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बनने तक के सफर में श्रीनिवासन के साथ कई छोटे मोटे विवाद जुड़े, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन आईपीएल फिक्सिंग विवाद ने श्रीनिवासन की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब उनका क्रिकेट प्रशासक के तौर पर भविष्य कैसा रहेगा, ये सवालों के घेरे में है। दरअसल श्रीनिवासन के दामाद गुरनाथ मैयप्पन के फिक्सिंग में शामिल पाए जाने की बात से ही उनके लिए मुसीबतें बढ़ने लगी थी। उन्हें बीसीसीआई के कामकाज से जांच पूरी होने तक अलग रखा गया और कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। फिलहाल श्रीनिवासन अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। इस साल विवादों में रही शख्सियत में एन श्रीनिवासन के बाद दूसरा बड़ा नाम है सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय सहारा का, जो बीते साल मार्च महीने से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उनकी गिरफ्तारी से लेकर के उनके जेल में रहने और जेल में रहने के दौरान प्रॉपर्टी बेचने के लिए अदालत से मिली विशेष अनुमति तक की घटनाएं खासा सुर्खियों में रही हैं। खत्म नहीं हुआ बुरा दौर, सुब्रत रॉय की जेल यात्रा। सहारा ग्रुप के संस्थापक सुब्रत रॉय निवेशकों से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। साल की शुरुआत से ही सुब्रत राय खासे सुर्खियों में रहे। पहले उनकी गिरफ्तारी को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा और फिर तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद अदालत का सख्त रवैया साल भर सुर्खियों में रहा। सहारा ग्रुप को निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए वापस लौटाने हैं, जिसके लिए अदालत ने उन्हें फार्मूला देने तक जेल में रहने का आदेश दिया है। कोर्ट की सख्ती के बाद सुब्रत राय ने जेल में खरीदारों से मुलाकात के लिए इंतजाम करने का कोर्ट से अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मान लिया और तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में उन्हें ये सुविधा मुहैया कराई गई। लेकिन तय वक्त तक सुब्रत रॉय निर्धारित रकम जमा नहीं कर पाए। फिलहाल सहारा ग्रुप को अपनी कुछ प्रॉपर्टी बेचने में सफलता मिल गई है और मामले की अगली सुनवाई जनवरी 2015 में होनी है। बात अगर खेल जगत की करें तो इस साल क्रिकेट में सबसे बड़ी सनसनी फैलाई है सचिन तेंदुलकर ने। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर ने अपनी आत्मकथा इसी साल रिलीज की है, जिसमें उन्होंने अपने करियर से जुड़े हुए कई राज खोले हैं। तेंदुलकर ने अपनी किताब में टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल के बारे में भी लिखा है। तेंदुलकर का बुक बम, निशाने पर गुरु चैपल। क्रिकेट के भगवान का दर्जा पा चुके भारत रत्न सचिन तेंदुलकर इस साल भी सुर्खियों से दूर नहीं रहे। पहले उनके नाम बेशुमार सुर्खियां तब मिली जब उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। हालांकि उसके बाद तेंदुलकर की राज्यसभा में गैर मौजूदगी भी सवालों में रही, जिसका सचिन ने अपने तरीके से जवाब दिया। साल के आखिरी महीनों में सचिन अपनी आत्मकथा को लेकर सामने आए, जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया। सचिन की किताब प्लेइंग इट माई वे में सचिन ने टीम इंडिया के पूर्व कोच ग्रेग चैपल की तुलना रिंग मास्टर से की है।
इस किताब के सामने आने के बाद चैपल ने सफाई दी तो वहीं कई ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों ने सचिन की आलोचना भी की। हालांकि इस हंगामे के बाद सचिन के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें पूरा सहयोग दिया और सचिन की बातों से इत्तेफाक जताया। इस साल क्रिकेट की दुनिया को एक बड़ा सदमा लगा। ये सदमा था ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल हिज की मौत, जिन्हें एक घरेलू टूर्नामेंट में सिर पर बाउंसर लगा और उनकी जान चली गई। इस घटना ने पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों को हिलाकर रख दिया। विदा हुए फिल ह्यूज, जेंटलमैन गेम पर दाग। जेंटलमैन गेम कहे जाने वाले क्रिकेट के स्वरूप पर गंभीर सवाल इसी साल खड़े हुए। इस साल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर फिल ह्यूज की एक घरेलू मैच के दौरान बाउंसर लगने से मौत हो गई। शेफील्ड शील्ड और न्यू साउथ वेल्स के बीच ये मैच हो रहा था, जिसमें ह्यूज को चोट लग गई। ह्यूज को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। इस घटना ने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। सवाल ये भी उठने लगे कि क्या क्रिकेट में बाउंसर को अब खत्म कर देना चाहिए। हालांकि कई दिग्गजों ने इसका विरोध किया। 25 साल के ह्यूज 26 टेस्ट मैच और 25 वनडे खेल चुके थे और जिस वक्त उन्हें चोट लगी वो मैच में 63 रन बनाकर खेल रहे थे। ह्यूज की मौत के बाद दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों और खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया। एशियाई खेलों में विवाद, सरिता देवी ने नहीं लिया मेडल। इंचियान में हुए एशियाई गेम्स में इस बार सबसे बड़ा विवाद सामने आया। ये विवाद पैदा हुआ भारतीय मुक्केबाज सरिता देवी को लेकर। यहाँ सरिता देवी का मुकाबला दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी से था। पूरे मैच में सरिता देवी ही हावी दिखी, लेकिन मैच के अंत में रेफरी ने दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी को विनर घोषित कर दिया। ये देखकर सरिता देवी ही नहीं बल्कि दर्शक भी चौंक गए। इसके बाद नाराज सरिता देवी खुद को नहीं रोक पाई और जब पोडियम पर प्राइज लेने आई तो ब्रॉन्ज मेडल लेने से इनकार कर दिया और मेडल कोरियाई खिलाड़ी को देकर चली आई। इसके बाद सरिता देवी पर कार्रवाई हुई और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। यूक्रेन संकट का असर, पुतिन पड़े अलग थलग। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन संकट को लेकर अपने अड़ियल रुख के चलते इस साल खासी सुर्खियां बटोरी। दरअसल रूस ने यूक्रेन में हस्तक्षेप करते हुए इस साल क्रीमिया में जनमत संग्रह कराया और इसी जनमत संग्रह को आधार बनाते हुए पुतिन ने क्रीमिया में रूसी सेनाएं भेज दी और क्रीमिया को रूस में शामिल कर लिया। पुतिन के इस फैसले का अंतर्राष्ट्रीय जगत में जोरदार विरोध हुआ, लेकिन पुतिन अड़े रहे। इसके बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। दरअसल क्रीमिया पहले रूस का ही हिस्सा था, लेकिन साल 1954 में यूक्रेन में शामिल हो गया था। पुतिन के इस अड़ियल रवैये ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अकेला कर दिया, जिसका नतीजा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुए G20 सम्मेलन में देखने को मिला, जब पश्चिमी देशों के विरोध के बाद पुतिन को दौरा बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। इस साल सुर्खियों में रहने वाले लोगों की लिस्ट में एक बड़ा नाम आतंकी संगठन ISIS के चीफ अबू बकर अल बगदादी का भी है, जिसने इराक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया हुआ है और खुद को खलीफा घोषित किया हुआ है। हालांकि अमेरिका के हवाई हमलों के बाद में ISIS कमजोर भी पड़ा है। आतंक का नया चेहरा, बगदादी का खौफनाक मिशन। साल 2014 में दुनिया आतंक के एक नए चेहरे से वाकिफ हुई। ये चेहरा है अबू बकर अल बगदादी का। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के मुखिया बगदादी के खूंखार ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। किसी जमाने में अलकायदा का कमांडर रहा बगदादी लादेन की मौत के बाद ताकतवर हुआ है और उसने इस्लामिक स्टेट का सपना पालते हुए इराक और सीरिया में कोहराम मचाया हुआ है। फिलहाल IS के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन के हवाई हमले जारी हैं। जिसका नतीजा है कि IS के कब्जे वाले कई इलाकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन ये संगठन जिस तरह से अपना प्रसार कर रहा है वो यकीनन पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल में आतंक के इस खौफनाक चेहरे से दुनिया को निजात मिलेगी और नया साल अमन और इंसानियत का पैगाम लेकर आएगा।